हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम कैलासा ऑनलाइन लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंस और लॉस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंस हमारा वो कॉस्ट होता है जो कि बिजनेस में रिवेन्यू अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, रिवेन्यू जेनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए खर्च होता है। जैसे कि अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी और वेजेज। एक बिजनेस एंटिटी है जो कि रेंट पे करता है, सैलरी पे करता है और वेजेज पे करता है। रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को, सैलरी पे करता है एम्प्लॉई को और वेजेज पे करता है वर्कर को। ये सब वो क्यों पे कर रहा है? क्योंकि उस बिजनेस एंटिटी का एक ही पर्पस है, जो है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ तो एक्सपेंस होगा, तो जो एक्सपेंस होगा वो है रेंट, सैलरी, वेजेज, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टैक्स हो गया, ऑडिट फी हो गया, लीगल चार्जेज हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स हम लोग सेल किए उसको परचेज करने में जो हमारा कॉस्ट लगा वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंस हैं जो कि किए जाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यहाँ पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल फिगर में देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख, रेंट 1 लाख, सैलरी 3 लाख, वेजेज 2 लाख, एडवर्टाइजमेंट 80,000, टैक्स और ऑडिट फी 50,000। टोटल जो हमारा एक्सपेंस का अमाउंट आ रहा है वो है 17,30,000। मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 10 लाख रुपया खर्च हुआ, रेंट 1 लाख रुपया पे किया, सैलरी 3 लाख रुपया पे किया, वेजेज 2 लाख पे किया, एडवर्टाइजमेंट 80,000 पे किया, टैक्स ऑडिट फी 50,000 पे किया। तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ वो 17,30,000 रुपया। मतलब कि एक बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 17,30,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, जो कि हमारा एक्सपेंस है। तो डिफिनीशन में देख लेते हैं एक बार फिर से। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो बिजनेस के थ्रू खर्च किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। रिवेन्यू अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और रिवेन्यू जेनरेट करने के लिए, तो यही होता है हमारा एक्सपेंस। अब हम लोग चलते हैं लॉस में कि लॉस क्या होता है। इट कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब कि दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं लॉस को। जो पहला कैटेगरी है वह हमारा लॉसेस आर अनवांटेड इकोनॉमिक वर्डन विच द बिजनेस इज फोर्स्ड टू वियर। तो इसमें लॉस हमारा वो इकोनॉमिक वर्डन है, वो आर्थिक बोझ है जो कि कंपनी को न चाहते हुए भी बियर करना पड़ता है। जैसे कि कंपनी का गुड्स लॉस हो गया, चोरी हो गया उसके कारण, आग लगने के कारण, अर्थक्वेक भूकंप आया उसके कारण, या कोई भी अदर नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब के कारण जो हमारा गुड्स लॉस हुआ है वो हमारा इस कैटेगरी में आएगा, अनवांटेड इकोनॉमिक बर्डन। मतलब न चाहते हुए भी कंपनी के ऊपर एक बोझ है कि उसको वियर करना पड़ेगा। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, सेल ऑफ असेट्स फॉर एन अमाउंट लेस देन बुक वैल्यू। हम कोई असेट्स को सेल कर रहे हैं जो कि बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड जितना है उससे कम में सेल कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक मशीनरी है जो कि 5 लाख रुपया रिकॉर्ड है बुक वैल्यू उसका, बट उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 3 लाख रुपया में, तो वो भी हमारा 2 लाख रुपया जो है वो मेरा लॉस हो गया। उसके बाद आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स कैसे अराइज होता है? जैसे कि बिजनेस एंटिटी गुड्स सेल किया है
क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स सेल किया है। तो जब उधार पे सेल किया है तो उसके बाद डेटर्स अराइज हो गया कि डेटर से पैसा रिसीव करना बाकी है। बट जो डेटर्स क्रेडिट पे गुड्स लेकर गया है वो अमाउंट पे कर नहीं रहा है, और वो पैसा धीरे धीरे बिजनेस एंटिटी एम मान ले रही है कि वो रिकवर होने वाला नहीं है, तो उसको धीरे धीरे वो बैड डेट के कैटेगरी में डालने लगता है। तो वही जो हमारा बैड डेट है वो भी न चाहते हुए हमारा लॉस हो गया, क्योंकि उसको तो हम लोग गुड्स सेल किए थे प्रॉफिट के मोटिव से, लेकिन अब पैसा दे नहीं रहा है तो वो भी न चाहते हुए मेरा लॉस हो गया। तो अब जो दूसरा कैटेगरी है लॉस का, वो है लॉसेस आर द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड टोटल रिवेन्यू। मीन्स लॉस हमारा बिजनेस का वो रिजल्ट है जिसमें कि टोटल एक्सपेंस टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जितना पैसा आया बिजनेस में, जितना प्रॉफिट बिजनेस में आया, उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंस हो चुका है। जैसे कि रिवेन्यू 10 लाख रुपया आया है बिजनेस में, और एक्सपेंस जो हो चुका है वो हो गया है 12 लाख रुपया। तो यहाँ पे जो लॉस है वो 2 लाख रुपये का लॉस है। लॉस का फॉर्मूला एक है एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा होगा रिवेन्यू कम होगा तभी हमारा लॉस होगा। अगर रिवेन्यू ज़्यादा हो गया एक्सपेंस कम हो गया तब तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि 10 लाख रुपया खर्च किया और 15 लाख रुपया रिवेन्यू हो गया तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, बट यहाँ अपोजिट हो रहा है। एक्सपेंस हमारा है 15 लाख रुपया और रिवेन्यू मान लेते हैं 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे 10 लाख का लॉस हो गया। तो यही है हमारा लॉस। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंस और लॉस के बीच का डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि जो पहला डिफरेंस होगा वो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर द अमाउंट स्पेंट बाई द बिजनेस फॉर रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन। एक्सपेंस वो अमाउंट है जो एक बिजनेस खर्च करता है बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। जैसे कि वो रेंट पे करता है, सैलरी पे करता है, वेजेज पे करता है, टैक्स, ऑडिट फी, कंसल्टेंट फी, लीगल चार्जेज, इसी तरह का बहुत सारा एक्सपेंस होता है जो कि बिजनेस उस पे पैसा खर्च करता है। अब जो है वो लॉसेस आर द अनवांटेड इकोनॉमिक बर्डन। मतलब कि लॉस हमारा वो आर्थिक बोझ है, वो इकोनॉमिक प्रेशर है जो कि एक बिजनेस एंटिटी न चाहते हुए भी वियर करता है। जैसे कि अर्थक्वेक आया और बिजनेस एंटिटी पूरा बर्बाद हो गया, तो वो लॉस उसको न चाहते हुए भी बियर करना पड़ेगा, जिस पे कि मिला कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ, बट उसको बियर करना पड़ता है। कंपनी में आग लग गया, उससे भी जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो भी बियर करना पड़ेगा। तो ये सब जो हमारा है वो है लॉस। अब देखते हैं डिपेंडेंसी, मतलब एक्सपेंस किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता, और लॉस किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता है। तो एक्सपेंस का है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉस। मतलब जो एक्सपेंस है वो लॉस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जो एक्सपेंस है हमारा वो लॉस के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है, एक्सपेंस के बेसिस पे लॉस कैलकुलेट होता है। इसको हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले लॉस का देख लेते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंस, मतलब कि लॉस जो है वो एक्सपेंस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि रिवेन्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट है, कि 10 लाख रुपया मेरा रिवेन्यू अर्न हुआ है और एक्सपेंस हमारा 15 लाख रुपया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपया हमारा लॉस हुआ है। तो अब देखते हैं, रिवेन्यू तो मेरा कांस्टेंट था 10 लाख रुपया, तो
रिवेन्यू को हम लोग कांस्टेंट 10 लाख रुपया मानते हैं, और जो एक्सपेंस मेरा था वो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, 15 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपया हो गया। तो 10 लाख रिवेन्यू और 20 लाख एक्सपेंस, मतलब कि लॉस मेरा हो गया 10 लाख रुपये का। और देखते हैं फिर कि रिवेन्यू मेरा 10 लाख रुपये का था और जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस हमारा 12 लाख रुपये का है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये का लॉस होता है। तो लॉस जो है वो एक्सपेंस पे डिपेंड है, बट एक्सपेंस लॉस पे डिपेंड नहीं है। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन लॉस इज मोर एंड वाइस वर्स, मतलब कि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा होगा तो लॉस हमारा ज़्यादा होगा, और एक्सपेंस हमारा कम होगा तो लॉस हमारा कम होगा। ये अभी एग्जाम्पल्स में बता दिए हैं। मेथड टू कैलकुलेट, एड ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब कैलकुलेट कैसे होता है, तो एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे मेरा जितना सारा एक्सपेंस हुआ है वो सारे को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स में देखे थे, यहाँ इतना सारा एक्सपेंस होने के बाद जो हम लोग ऐड किए तो टोटल एक्सपेंस मेरा आया है 17,30,000 रुपया, और वो हो जाता है हमारा टोटल एक्सपेंस 17,30,000। अब लॉस पे देखते हैं, लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, क्योंकि लॉस तभी होता है जब एक्सपेंस हमारा रिवेन्यू से एक्सीड करता है, एक्सपेंस हमारा रिवेन्यू से ज़्यादा होता है तब लॉस होता है। तो लॉस कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, जैसे एक्सपेंस मेरा 10 लाख रुपया और रिवेन्यू 8 लाख रुपया, तो यहाँ पे 2 लाख रुपये का हमारा लॉस हो जाता है। और अगर जब रिवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंस कम होगा तब तो फिर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, कि 5 लाख रुपया खर्च किए 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ, 10 लाख रुपया रिवेन्यू आ गया, तो वहाँ पे मेरा 5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट लॉस वहीं होता है जहाँ एक्सपेंस ज़्यादा और रिवेन्यू कम हो। अब हम लोग देखते हैं पर्पस, कि दोनों का पर्पस क्या होता है, एक्सपेंस का पर्पस क्या होता है और लॉस का पर्पस क्या होता है। तो एक्सपेंस का पर्पस देखते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड। एक्सपेंस हमारा इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है एक पार्टिकुलर पीरियड में, इसलिए हम लोग एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ, तो एक्सपेंस मेरा जितना टोटल हुआ वो एक्सपेंस को हम एक जगह टोटलिंग लिखे, उसके बाद जैसे कि एक्सपेंस टोटल किए तो लगा 20 लाख रुपया एक्सपेंस हुआ है, और रिवेन्यू मेरा अर्न हुआ है 15 लाख रुपया, तो यहाँ पे 5 लाख रुपये का लॉस हो गया। और अगर यही 20 लाख रुपया एक्सपेंस हुआ है, रिवेन्यू 30 लाख रुपया हो गया, तो हमारा 10 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है। तो एक्सपेंस का पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। लॉस को कैलकुलेट क्यों करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिजनेस एंटिटी का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देखने के लिए, कि वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, क्या उसका कंडीशन है, वो बिजनेस कंटिन्यू चलने वाला है या नहीं, या वो बिजनेस बंद होने वाला है, वो बिजनेस का कंडीशन क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसलिए हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं। लॉस या प्रॉफिट दोनों को भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो वो बिजनेस आगे चलता रहेगा, बट कोई कंपनी अगर लॉस में है तो हो सकता है वो आगे चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस चलेगा बट उसका ऑपरेशन को कम किया जाएगा, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो लॉस को या प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए। और अब जो लास्ट बेसिस है वो है हमारा एग्जांपल्स, एक्सपेंस क्या क्या होता है, तो अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस, ऑडिट फी, लीगल चार्जेज, ETC। रेंट जो हम लोग लैंडलॉर्ड को पे किए, सैलरी जो इम्प्लॉई को पे किए, एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग न्यूज़ रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर को पे करते हैं, टीवी चैनल वालों को पे करते हैं, ऑडिट फी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो हम लोग ऑडिट करवाते हैं कंपनी का, उसके लिए उस CA को फी पे करते हैं, और फिर कुछ लीगल चार्जेज जैसे स्टाम्प ड्यूटी ये सब।
लॉस का जो एग्जाम्पल है वो है, इफ़ द फर्म जेनरेट द रिवेन्यू है ऑफ 5 लाख, एक कंपनी है जो 5 लाख रुपए का रिवेन्यू अर्न करता है और उसके लिए वो एक्सपेंस इनकर्ट करता है 6 लाख रुपया। 5 लाख रुपया आया है 6 लाख रुपया खर्च करके, तो वहाँ पे हमारा लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो 5 लाख रुपया खर्च करके, सॉरी 6 लाख रुपया खर्च करके 5 लाख रुपया इनकम आया, वो हमारा हो गया 1 लाख रुपए का लॉस। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।